गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फ्रैक्शन. फर्स्ट वन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या है? होल का एक पार्ट होती है. नाउ वी हैव ए कंप्लीट पार्ट मींस होल पार्ट. ये हमारे पास एक होल पार्ट है. अगर हम इसके टू पार्ट्स कर दें तो इस वन पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये इसका क्या हो गया? हाफ हो गया. तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? हाफ. इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? हाफ. अगर हम इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इस पार्ट की फ्रैक्शन क्या बन रही है? वन ओवर फोर. मीन्स टोटल पार्ट्स कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर. तो वन पार्ट की फ्रैक्शन क्या बन रही है? वन ओवर फोर. हाँ जी, ये जो पार्ट है वन ओवर फोर्थ पार्ट है. जब वन ओवर टू पार्ट है, ये इस होल का एक पार्ट है. नाउ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स. नंबर वन न्यूमिरेटर, सेकंड वन इज़ डिनोमिनेटर. न्यूमिरेटर क्या है? न्यूमिरेटर में हम क्या चूज़ करते हैं? मीन्स कितने पार्ट शेडेड है, कितने पार्ट अनशेडेड हैं. डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स, ये जो जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या बनेंगे? डिनोमिनेटर. अब इसमें ये क्या बनेगा? न्यूमिरेटर वन न्यूमिरेटर है और टू क्या है? डिनोमिनेटर. हाँ जी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर. न्यूमिरेटर क्या है? अपर पार्ट. और डिनोमिनेटर क्या है? लोअर पार्ट. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. हाँ जी, एग्जाम्पल वन ओवर फिफ्टीन, टू ओवर फिफ्टीन, सेवन ओवर फिफ्टीन. अब इन सभी में जो आपका डिनोमिनेटर है वो फिफ्टीन चल रहा है, मीन्स सभी में फिफ्टीन डिनोमिनेटर है, तो ये क्या बन गई? लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, वो सारी फ्रैक्शंस क्या होंगी? अनलाइक फ्रैक्शंस. थर्ड, यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग वन एज द न्यूमिरेटर, वो सारी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिरेटर वन है. वन ओवर फाइव, वन ओवर एट, वन ओवर टेन, इन सभी में न्यूमिरेटर क्या है? वन चल रहा है. तो ये सारी क्या हैं? यूनिट फ्रैक्शंस. फोर्थ, प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग ए न्यूमिरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. टू ओवर फाइव, थ्री ओवर सेवन, फाइव ओवर नाइन, इन सभी में जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमिरेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन द डिनोमिनेटर. हाँ जी, वो सारी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. फोर ओवर थ्री, नाइन ओवर फाइव, इलेवन ओवर एट, या फिर 15 ओवर 15. मीन्स अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी. मिक्स फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मिक्स विद होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर, वो फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है. वन होल, टू ओवर फाइव, टू होल, फाइव ओवर नाइन, फोर होल, थ्री ओवर फाइव. अब इन सभी में वन, टू, फोर और क्या है? होल नंबर्स हैं. और टू ओवर फाइव, फाइव ओवर नाइन, थ्री ओवर फाइव, ये सारी क्या हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस. सेवन, इक्वलेंट फ्रैक्शन. द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन सेम व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. हाँ जी, फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी अगर हम उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से. जैसे टू ओवर थ्री, तो मैंने यहाँ पर टू ओवर थ्री न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को फोर से ही मल्टीप्लाई किया है, तो क्या बन गया हमारे पास? टू फोर्स का एट, थ्री फोर्स का ट्वेल्व. तो ये टू ओवर थ्री के इक्वलेंट है. मीन्स टू ओवर थ्री और एट ओवर ट्वेल्व दोनों इक्वल हैं. अगर हम इसको कटिंग करेंगे फोर के टेबल में टू, फोर के टेबल में थ्री, तो ये टू ओवर थ्री के इक्वल हो गई. ऐसे ही टेन ओवर फिफ्टीन. अब टेन ओवर फिफ्टीन का इक्वलेंट क्या बनेगा? टू ओवर थ्री.
मैंने जब इसको 5 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो गया, 5 के टेबल में 10 कहाँ पे है, 2 पे, 5 के टेबल में 15 कहाँ पे है, 3 पे। तो ये फ्रैक्शन इसके इक्वल होगी। ओके बेटा, थैंक्स।